चिकन में कुछ बताओ। नॉनवेज मत खाया कर, कोरोना इसी से तो हुआ, तुम चिकन चिकन लगे हो। हैप्पी जर्नी। निवी चाचू टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा 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 किसी कर दे, किसी कर दे गाल पे। टाटा बड़ा हो जा फटाफट। हाँ 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 चलो पापा के पास आ जा। हाँ पापा के पास आ जा। अभी अभी किसी कर दे, अभी किसी कर दे, अभी किसी कर दे, किसी कर दे, किसी कर दे। टाटा हैप्पी जर्नी, खा ले दो ये। ख्याल रखना पहली बार। अरे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। बाय बाय बाय, बोलो सी यू, ऐसे करो, ऐसे करो, बाय बाय, टाटा टाटा, किस कर दो, किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। आ बाय भैया, बाय बाय, ख्याल रखो सब। हाँ मिलते हैं। तो अब कैब में बैठ गए हैं, जी उसको पिक करते हैं, पहुंचते हैं मुंबई सेंट्रल। अभी तो 3 बजने में टाइम है, तो उसके घर तक पहुंच जाएंगे अराउंड 3 बजे, और फिर वहां से 5:10 की ट्रेन है हमारी, तो मुंबई सेंट्रल पहुंचते हैं। मस्त अपडेट देते रहते हैं आपको। और जूस क्या हाल चाल? और बढ़िया एकदम। एक आगे भी है। अरे भाई ये जबरदस्ती करेगा, बहुत सर बैठ जाते। चलो चलो क्या भाई, क्या भाई, चलो। तो गाइस ब्रिज के बाजू में ये लगे होते हैं, तो मैंने इससे पूछा कि क्यों लगे होते हैं, मैं तो इसके पास कुछ आंसर नहीं है। वो थोड़ा लोग कूद जाते हैं ना, इसीलिए लोग कूद जाते हैं ब्रिज से, इसलिए लगाया है। मतलब एक साइड लगाया है ब्रिज के, दूसरे साइड नहीं लगाया, मतलब उधर से कूद जाओ। अरे हम थोड़ी सीखते हैं भाई, हम बिल्डिंग बनाना सीखते हैं। गाइस इसका पैसा बर्बाद, गाइस सुनो सुनो, 6 साल बर्बाद ब्रिज बनाने का, इंजीनियरिंग बर्बाद है। अरे को पैसा बर्बाद, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ठीक है, अब तक सिखाना बाकी है ठीक है। अबे फाइनल ईयर में पहुंच गए, लास्ट सेम में सिखाएंगे, पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बारे में ही है ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में तुम्हें इंटर्नशिप करके लिटरली साइट पे होना पड़ता है, ये झूठ बोल रहा है गाइस, इसका मत सुनो। नहीं माय हार्ट रेजेस अराउंड लाइक एन ओशन इन माय हेड बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई लेफ्ट अनसेड। गाइस सो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, हमारे पीछे ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन है, और ये जियो से स्ट्रगलिंग विद पीएस एंड हिज लगेज। ये बीटी का भाई क्यों लिया पता नहीं भाई। ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम जा रहे हैं एक ट्रेन जर्नी में, बहुत मज़े करने वाले हैं, और ऊपर से डाइनो कनिका बीटी अल्फा सब आने वाले हैं, और पाइथन भी चढ़ने वाला है सूरत से, तो भाई क्रेजी फन होने वाला है। तो चलो आपको भी सेम एक्सपीरियंस करवाएंगे, देखते रहो गाइस। तो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने को टाइम है, 17 मिनट्स में ट्रेन डिपार्ट हो जाएगी, चलते हैं फटाफट। खुली भैया कर लिए हमने। भैया आपका नाम क्या है? अरे मत बताओ नाम मेरा। चलो अरे वसन, वसन वसन भाई, वसन भाई आज एकदम फुल हमें मदद कर रहे हैं हमारे सारे बैग ले जाने में। ओ कुली
दोस्तों राजधानी बोर्ड कर लिया है, मैं और जियोस यहाँ पे चढ़ गए हैं, बाकी अल्फा डायनेमो कनिका और पीटी ये लोग बोरीवली से चढ़ने वाले हैं, ये लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो यार बहुत क्रेजी होने वाला है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे पूरा रिएक्शन देखेंगे उनका। और बस अभी एक्चुअली गुलरेज भाई थोड़ा लेट हो गए, वैसे सिग्नल नहीं है ट्रेन के पास तो रुकी हुई है, थोड़ा चल चुकी है आगे लेकिन फिर आगे सिग्नल नहीं मिला तो रुकी हुई है। मे बी गुलरेज भाई हमसे मिल पाए, वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं स्टेशन। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस ट्रेन चल रही है लेकिन गुलरेज भाई कहीं दिखे नहीं। अरे यार गुलरेज भाई से मिलना रह गया गाइस, बहुत मन था उनसे एक बार मिल लें। कोई बात नहीं गाइस, क्या कर सकते हैं अभी, बस चल पर हैं। हाउ इज योर्स? थोड़ा सैड लग रहा है। कोई बात नहीं यार, नहीं मिल पाया, अब नहीं लिखा, लेकिन अब पूरी जर्नी एंजॉय करनी है तो ये सैडनेस हटानी पड़ेगी तुम्हें। यार भूख लगी थी, बिरयानी भी मत। राइट, इसलिए हम काके भी नहीं आए थे। बिरयानी का इंतज़ार था हमें गाइस, लेकिन नसीब में नहीं थी आंटी के हाथ की बिरयानी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे गुलरेज भाई आपके घर आके खाएंगे। कोई बात चलो चलो चलो। ए भाई एक सेकंड आंटी। हां जाओ जाओ। हेलो जा, तू अंदर जा, तू अंदर अंदर हो जा भाई, जल्दी ले लो भाई। ये लेफ्ट है ना अपना? हां यहां पे, ये यहां पे ही है ना एम्परर? कुछ लोगों से मिलवाना है, बोर्ड कर चुके हैं ट्रेन। ये देखो इसको तो पहले मिल चुके हो, लेकिन हमारे नए पैसेंजर्स ट्रेन में ऐड होते हुए हमारे लीडर हाइड्रा डायनेमो, को लीडर सर कैमचॉक, अपने एलीट, अरे पता है तेरे को फीमेल कंटेंट क्रिएटर। ये क्या फीमेल भाई, हाइड्रा करने का बोलो वही भाई, लेट्स गो। सर ये फेमिनिज्म क्या करते हैं भाई, ये लोग बोलते हैं। ऑलराइट गाइस चलो, हम थोड़ा सेटल हो गए, बैग्स वैग्स रख दिए, अब एंजॉय करते हैं एंड थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, सबको बहुत भूख लगी है। यस तो गाइस यहाँ पे सचिन सर ने डायनेमो के साथ अपनी एंड मॉडल के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है एंड बहुत खुशी हुई इधर सबको जान के कि डायनेमो आपको कैसा लगा आपकी फोटो पोस्ट? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को मेरी मॉम ने भी फोटो भेजा व्हाट्सएप पे, फिर दो तीन दोस्तों ने भेजा, मेरे मामा ने भी स्टोरी किया और बेटे ने बताया मेन। तो उन्होंने जो कमेंट किया है सचिन सर के पोस्ट पे एंड ये कमेंट सजेस्ट किया था कनिका ने जो कि बहुत अच्छा था, मेरा भी एक अच्छा सा कमेंट था, दैट वाज ड्रीम्स डू कम ट्रू स्टैंडिंग विद द लेजेंड हिमसेल्फ हु ब्लीड्स ब्लू। और nice. जो भी क्रिकेट फैन है वो ये समझ सकते हैं, एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग। ये घंटा बता रहा है तो मतलब तब तो खाना ले आऊंगा, तो बैठ के बता रहा है। बिल्कुल, तो क्या क्या लाए हैं आज हमारे लिए? बोलो, छप्पन भोग। छप्पन भोग है, एक एक बिरयानी कर दो, मना बिरयानी दे दो, एक पनीर का, एक दाल तड़का। दाल तड़का, दाल तड़का चाहिए मेरे को। हाँ चाहिए, हम जान तो काका चाहिए। चिकन में कुछ बताओ, नॉन वेज मत खाया कर, कोरोना इसी से तो हुआ, तुम चिकन चिकन लगे हो। चंदागढ़ थोड़ी खा रहे हैं, चीन पे हमला करवा दिया फिर भी चिकन मांग रहे हैं। चमगादड़ से नहीं हुआ, चिकन से नहीं, चिकन से हुआ। तो फिर मटन खिला दो, उल्टे सूटे काम, अंडा वंडा भी नहीं है। अरे यार वैरायटी नहीं रखी, प्योर माल खाओ, ये बिना चावल हो गया और सही है भाई। बस भैया इतना ही। अच्छा आप वेजिटेरियन खाने में विश्वास रखते हो? हाँ
आज डिनर में हमने खाया है ढोकला, मीठी लाया था भाकरवरी, ये ट्राई किया और मैंने तो मोदक को कितना बड़ा लिया था। कैसा है ब्रो? याद है ये ढोकला के साथ ये मिर्ची बहुत एपिक कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। और ये ढोकला और मिर्ची लाए थे पाइथन हमारे लिए गुजरात से, एंड बता कुछ और भी लाए हैं मीठे में, एंड दैट इज एम्परर मीठा एम्परर गारी। ओ भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है ये। टेल बोल रहा है। अरे मतलब ये देखो ये पूरा घी लगा हुआ है गारी। गुड ब्रो गुड। I like बहुत सही है। तूने क्या किया भाई? बहुत सही था लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बाइट लेते हैं वो और वो घी भी पूरा लगता है, वो अजीब सा लगता है लेकिन फिर बाकी टेस्ट आके मस्त लगता है। तो इधर एक वीडियो देख रहे हैं ये लोग फोन में और वो एक्चुअली एक बूट कैंप का लीक है जो डायनो हम सब को किसी को नहीं दिखाना चाह रहे। इसलिए सब कुछ छुपा के ये तो अपना वाका वॉल है ना जो अपना चिल जोन का। कैमरा को तो दिखा दो ऑडियंस को तो दिखा। नहीं नहीं कहाँ रुकता है ये क्या मतलब ये क्या निकला ये अंदर से बूट कैंप का लीक फोन निकला और क्या निकला अल्फा ने डायनो को डायनो को दिखा रहा है शादी कुछ बोलते ना अल्फा क्या बोलता है तो पूजा वाले बुटकैम गलती से नहीं शादी में मजा। राइट गाइस सो हमारा डिनर हो चुका है, हमने पैंट्री का खाना खाया और साथ में जैमिन अपना पाइथन लाया था, बहुत सारा खमन बहुत सारे ढोकले और उससे पेट भरा। फिर डेजर्ट में भी उसने घारी करके कोई गुजराती डिश थी वो लाया एंड साथ में काजू कतली, तो भाई मज़ा आ गया। एक्चुअली डायनो को उनकी डिश इतनी पसंद नहीं आई जो पैंट्री से मंगवाई थी। मुझे बहुत मैं स्पाइसी खाता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा पूरा खाना स्पाइसी रहता है। वही मीठा मीठा निकला ना और बहुत मीठा नहीं मतलब शाही पनीर तो ऐसा लगा कि लाइक शक्कर के पानी में पनीर डाल दिया। अरे रे ऐसा था। और बिरयानी तो ऐसी थी कि मतलब बोरियानी थी वो एकदम बोर कर दिया। एंड बीटी अभी मैं दिखाऊंगा नहीं गाइस, मैं बीटी को अभी दिखाऊंगा नहीं, वो वापस रोस्ट हो जाएगा। वो वापस फोन निकाल के मेरे को ब्लॉक कर रहा है अपने कैमरा। डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स भाई। तो अब दिखाएंगे नहीं उसको। ये अल्फा एकदम नींद में है जरा। करता ही गुड नाइट हो गया। ओ गाइस तो पहुंच गए हम रतलाम स्टेशन, मतलब बस पहुँच ही रहे और थोड़ा उतरते हैं यार। ट्रेन में बैठे बैठे सबकी हालत टाइट हो गई है और इतना थक गए हैं। कैसा लग रहा है खड़े? लग गए भाई लग गए ठंड। चाय ला क्या है? क्या ले रहे हो? और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चाय बने गरम गरम और हम पी लें फटाफट। ये देखो कनिका ठिठुर रही है भाई, कनिका को देखो पूरी काम जा रही है भाई पूरी पता नहीं एकदम ही क्रेजी। देखो अपनी गरम गरम चाय आ गई। थैंक यू सो मच। नहीं मैं मोटा हूं इसलिए मेरे को कम ठंड लगती है। हां मैंने ऊपर ये डाला है फिर भी ठीक है बात होती है। हां मोटा फिर मैं हां हां दैट इज ट्रू। मोटा को कम ठंड लगती है, चर्बी ज्यादा है ना पतला हुआ है सर पेट से। बट ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कि जो मोटा है उसको ठंड नहीं लगती और जो पतला फैट ज्यादा होता है ना तो फैट हीट डायबिटिक करेक्ट। नहीं भाई नहीं नहीं पानी जैसी चाहिए। तो इस ट्रेन में ये बहुत ही अजीब सा फीचर दिया हुआ है, ये लाइट इतनी तेज लाइट है मतलब कौन है अंदर का प्लीज बाकी कुछ तो बहुत धीरे से बात सर एसी का टेम्परेचर कम करवा दो तो हम सब सो जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं तुमने अलग रखा भाई धीरे बोल धीरे बोल। क्या बेटी चिल्ला घर है घर है लोग सो रहे तेरे को ब्लॉग बनाना इधर तो लाइट दिखा रहे सकता। अबे लोग सो रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं उनसे आगे बढ़ूँ। सा बंदा मिला आके मुझे कहता है भैया आप आयुष वर्मा हो ना मैं आपको जानता हूँ
क्रेजी क्या भाई, कौन आयुष वर्मा? मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ आयुष वर्मा। ट्रेन नहीं चल रही लेकिन Hi guys, so good morning, उठ गया हूँ और सब लोग अभी अभी उठे हैं, सबकी नींद थोड़ी थोड़ी आधी अधूरी सी हुई है। Hello, Mr. Alpha Clashers. Good morning. कैसा रहा आपका? तो बहुत पूरा नींद पूरा। मैंने तो बोला था कि बूट कैंप में बहुत काम है, तो मैंने बोला था कि सब लोग अपनी अपनी नींद ले लो, तो जितने लोगों ने नींद ली वो लोग को बूट कैंप में मजा आएगा, वरना वगैरह लबड़ते रहेंगे सब लोग। अब जिनकी नींद आई नहीं, जिनको वही है ना, नहीं आई आई तो अभी तेरे को तो अच्छी आई होगी नींद। मेरे सिवाय किसी को नींद नहीं आई। छोड़ के लिटरली कोई नहीं सोया अच्छे से। डाइनो, आपकी भी नींद नहीं हुई होगी? नहीं यार, मेरी भी नींद नहीं हुई। कानी जूस बॉय? नो जूस बॉय तो जूस बेचने वाला है बूट कैंप में, वही है बिजनेस। तो गाइस आई गेस आज का दिन तो गाइस पहुंच गए दिल्ली भाई, इसको भी लेना उतर रहे। किसको लेना है? क्या नाम है भैया आपका? हाँ तो पहुंच गए अपन और यहाँ पे खुली कर रहे हैं अभी, बैग जाएंगे, इतने सारे बैग से सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। देखो कितनी एज है आपकी? 54 साल। हाँ 54। 54 भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी पूरी टोली आ रही है अपने पीछे, बहुत सारा सामान हो गया क्रेजी ये देखो पाइथन लेकिन पाइथन फ्री में कर रहा है गाइस। और हम हाइड्रा के ब्लॉगर, हम ये सब कैप्चर कर रहे हैं, सो लेट्स गो। और बताइए पाइथन। और बेटा एमपी जी, मेरे को तो भूख बड़ी लग रही है। मैं क्या बोलते एमपी जी? हाँ, एक घंटा बचा अपने पे। अपन कहीं पे जाने वाला भी है, मालूम है ना कहाँ पे? बूट कैंप जा रहे हैं गाइस, बहुत एक्साइटमेंट है लेकिन भूख है ना भाई, भूख भी लगी है और एक्साइटमेंट भी है। और जो पूरी रात को ट्रेन में जो अपने को ठंडी लगी भाई भाई, हाँ ठंडी बहुत थी, अभी धूप सेक के बहुत मजा आ रहा है गाइस, सही बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। हाँ दिल्ली फाइनली, हाइड्रा इन दिल्ली। ठीक है, यस। फोन वॉलेट सब संभालो, ठीक है? यस यस गाइस, थोड़ी स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा हमको वो रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है अपनी खुद का और अपनी बिलोंगिंग्स को, जैसे हमारा सारा सामान जा रहा है तो वो भी देख रहे हैं बीच बीच में, और अपने फ़ोन वॉलेट्स वगैरह। तो या चलो मिलते हैं, कैब करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं अभी, अपडेट तो दे दिया, चलो मिलते हैं आगे। क्या आपने किया अभी? अरे ये तो भाई 400 रुपए का तो टोटा है हमारा, बिल्कुल। हाँ चलो अपना सामान काउंट कर लेते हैं, एक दो बैग अपने हो गए, ये दो बैग हो गए, ये एक तीन और एक ये हैंड। अच्छा आगे क्या हो? मैं सुनो, मैं YouTube शॉर्ट बना रहा हूँ कि हाइड्रा दिल्ली, ठीक है? सब रेडी रहना, ओके? सामान वामान सब रहेगा अपना, ओके? इस पाइथन पेमेंट किस में लेता है? ओनली कैश। सो गाइस बैठ चुके हैं हम कैब में एंड जा रहे हैं फाइनली बूट कैंप की तरफ। एक घंटे के अंदर हम बूट कैंप के अंदर होंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी देखने आए थे हम जुलाई में, उसके बाद अब तक मुझे बहुत चेंजेस हो चुके हैं और मुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और एक्साइटेड कनिका, वेरी नैनो, आपने आपने आपको पता है क्या क्या है अंदर, लेकिन फिर भी मतलब 100% नहीं पता, बट हाँ जो चीज़ें हुई है वो आंखों के सामने हुई है, आपको सामने लाइक बातों में हुई है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट वो होता है ना कि जैसे आपको पता है कि आपका पीसी बनने वाला है, बट जब बन जाता तो कैसा लगता है, राइट? लाइटिंग वाइटिंग सब चीज़ें, तो ये वही तामझाम है। ओके एंड बीडीएस
भाई हम तो एक्साइटेड है भाई, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई है, थोड़ा थोड़ा स्नीक पिक्स मिला है, अभी देखते हैं वो इन रियलिटी क्या है, कैसा है. वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट. अभी तक तो सुना है, देखा है वर्चुअली, नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू रियलिटी. और क्या एक्सपेक्टेशंस है भाई? मैं तो जा रहा हूँ शेविंग रूम में घुसने भाई, मैं फुल एकदम सेटअप करके बैठा रहा हूँ भाई. और मिस्टर कोलीडर, बस आपको तो पता ही है सब. आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या रिएक्शंस निकलेंगे? मेरे को नर्वसनेस हो रही है कि जितना बना है अंदर सब, मेरे को तो मालूम है, बट वो क्या तुम लोग को अच्छा लगेगा, ऑडियंस को भी एंड हाइडर मेंबर्स एज वेल. तो नर्वसनेस है कि कैसे प्रेजेंट करूंगा वो सब. अरे बिल्कुल, मजा आएगा, मजा आएगा, इतना तो है. आपने काम किया है तो दिल लगा के किया होगा, हमें पसंद आएगा. yes, दिल से की हुई हर चीज पसंद आती है. यस यस, ओके. हाइड्रा के लिए है ना भाई? बिल्कुल, हेल हाइड्रा. सोच रहे होगे कि ज़ियोस और पाइथन कहाँ रह गए, तो भाई वो लोग जा रहे हैं लगेज के साथ हमारे, हमसे पहले पहुंच जाएंगे बूट कैंप, हम पीछे पीछे पहुंच ही रहे हैं. गाइस पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, क्या करें, डरो. मैं तो मजे भाई, ये पागल हो रहा है, पागल हो रहा है. पक्का? ओ भाई गाइस, क्रेजी.